तीन बॉल हुआ है। पांच अच्छा तो ना छब्बीस झाड़ी में भैया ये देखो क्रिस के और ओवर वाइल लोग का तीन यस मी या आगे आगे फेंकना भाई आगे फेंकना बहुत अच्छे आउट 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 सर अच्छा आउट है चौका काहे के लिए गए पप्पू भैया मना कर रहे मत जाइए कोई बात कोई बात व्हाइट नहीं है भैया लास्ट बॉल नहीं नहीं व्हाइट नहीं है दो दो हम बोले थे तुम्हारी बॉलिंग बिगाड़ेंगे बोले थे एक बड़े ही मनोरंजक मुकाबले में रवि किशन जी की टीम ने खलनायकों की टीम को हराया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच मैंने देखा। रवि भैया क्रिकेट किसे के लिए जीत के लिए श्रेय किसे जाता है? ये पूरा श्रेय जाता है कल्लू को और इनके गेंदबाजों को कि उन्होंने इतनी वाहियात गेंदबाजी की कि हम लोगों ने मार मार के उन लोगों को ख़त्म कर दिया। उन लोग अभी 10-15 साल तक खेलने के लायक नहीं रहेंगे। आपकी टीम को कितने रन्स का टारगेट मिला था और कैसे आप लोगों ने अचीव किया? 61 का टारगेट मिला था और हम लोग मार के विदाउट नो लॉस नो विकेट हम लोगों ने तड़ 6-4 करके गेम ख़त्म कर दिया। आपके लिए सबसे आसान बॉलर कौन सा था, नाम बताएंगे ज़रा? मेरे लिए सबसे आसान बॉलर पप्पू यादव जी और आपका किधर है वो ये भाई साहब थे। क्या नाम? दिलकश जी। इन लोगों ने हमारे टीम को इतना मारा उसका गुस्सा निकला और हमारी टीम को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता जीतने को हमारे कैप्टन रवि भैया को रवि सर को इन्होंने इतना हौसला दिया और साथ में मेरे साथ बैटिंग किए तो इनको देख के तो हमको भी जोश आ रहा था। तो आप पिक्चर में ही नहीं अब मैच में भी खलनायकों पे भारी पड़ रहे हैं नायक? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बड़े टीम के बड़े खिलाड़ी हैं तो हार गए हम लोग आपने देखा। मैं अपनी टीम को थैंक यू बोल रहा हूँ हारने के लिए। थैंक यू सो मच। इन लोगों ने रन बहुत ज़्यादा चेज किया था 5 ओवर में 61 रन लेकिन हम लोगों ने इतनी आसानी से रवि भैया का साथ मिला और वीरेंद्र सहवाग जैसे हम लोग दोनों लोग साथ मिलकर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर वाली पारी हुई यहाँ पे। शूटिंग से पहले 2-3 घंटे 4 घंटे या शायद उससे ज़्यादा की इस तरह से पसीना बहाना मेहनत करना उसके बाद पूरे दिन शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल काम नहीं है? देखिए मैं 25 साल से सिनेमा इंडस्ट्री में हूँ और 400 से ज़्यादा फिल्में मैंने की है, पूरा विश्व जानता है इसीलिए। लेकिन कारण ये है कि फिटनेस ही जैसे अक्षय कुमार हैं जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं सलमान खान हैं सलमान हमारे मित्र हैं इतने पुराने। मैं सलमान को तेरे नाम की शूटिंग में देखता था कि वो पार्टी कर लें कुछ भी कर लें 2-2.5 घंटा वो अपना स्वेट बर्न करते थे पसीना निकालना। तो अगर ये हम लोग ये रखते हैं तो एक तो रिलैक्स हो जाता है, एक्टर की ज़िंदगी में ऐसे बहुत चिंताएँ रहती है तो वो एक इनसिक्योर वो स्ट्रेस बहुत रहता है वो रिलीज़ होता है, यूनिटी रहती है, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का माहौल रहता है, सबको काम करना है। नहीं तो सब लोग अपने मैंने देखा बहुत लोग अपने अपने में रहते हैं, इससे एक एकता होती है, फिटनेस भी होती है और पूरे दिन चार्ज रहेंगे। सवेरे का वर्कआउट आपको पूरे दिन चार्ज रखता है, आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। सो आप 12-13 घंटे तक आप फ्रेश रहते हो और डायलॉग्स याद रखना है, ये करना एक्शन करना है,
तो ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में शरीर को थकाने की ज़रूरत है, ये मॉर्निंग वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रवि भैया, क्या ऐसा कोई एक फिल्म भी, ऐसी फिल्म भी प्लान की जा सकती है? बहुत सारे हीरोज हों जैसा लगान आई थी फिल्म, क्रिकेट पर ही आधारित, क्या भोजपुरी में भी हम लोग फिल्म प्लान कर सकते हैं? ऐसी कोई रियल, देखो बहुत सारी कहानी आ गई, अगर ऐसा कुछ अद्भुत सा कुछ आए, बायोपिक आए, कुछ इंटरटेनिंग सा रहा है स्क्रिप्ट, वो तो वाई नॉट। बहुत, एक तो सारे हीरो एक साथ मिलेंगे जो कि नहीं हो जाते, हम लोग के मिलने का समय नहीं होता, एक साथ हीरो काम नहीं करते हैं, तो ऐसी कोई कहानी आए कि सारे हीरो को जोड़ दें तो इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि 4-5 हीरो अगर आ जाएं किसी फिल्म में तो एक बहुत बड़ी, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, हम मनोज बाबू, दिनेश बाबू सब लोग थे, हम लोग तो एक बड़ी ऐसा ऐसा अच्छा एक ट्राई करते रहना चाहिए। हम और कल्लू पहली बार आ रहे हैं, ये एक हमारे फैंस लोगों के लिए, मेरे फैंस के लिए, कल्लू के फैंस के लिए बहुत अच्छा एक सौगात होगा कि राधे नाम की फिल्म में हम दोनों की जोड़ी पहली बार आ रही है। सो एक अमेजिंग, ये ऐसा सब एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए। आपके मैन ऑफ द मैच कौन है रवि भैया? कल्लू हैं हमारे, बिकॉज इन्होंने मोर देन 8-9 सिक्स मारा और 4-5 फोर्स मारे इन्होंने। कल्लू, कौन सी तैयारी करते हो इतने ज़बरदस्त खेल के लिए? नहीं नहीं, हम जो खेलते हैं, बॉल आए अगर तो छक्का, नहीं तो विकेट आउट। और मेरा कैप्टन ने शुरू में ही बोला था कि कोई भी बॉल छोड़ना नहीं है, क्योंकि रन अधिक थे 61। मैंने बोला कि अगर मैं आउट भी होता तो इसके बाद हमारे रवि भैया हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम रवि भैया के साथ, रवि सर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। इनको मैंने हॉल में जाके देखा है, टीवी में देखा है, और जब फिल्म का ऑफर आया तो मैंने फटाक से हाँ कर दिया, और यहाँ पे आया तो इतने अच्छे से छोटे भाई का प्यार दे रहे हैं, बड़े भाई हैं हमारे। और सीन हो या क्रिकेट मैच हो, सुबह उठा के इन्होंने बोलते नहीं खेलना चाहिए, उन्होंने सही बोला कि सुबह का वर्कआउट सबसे अच्छा होता है, माइंड फ्रेश हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ क्रिकेट खेल के, सीन करके, फिल्म करके। हर महादेव रवि भैया, हर महादेव, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। गुजरात के राजपीपला से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।